आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि कैसे मैं बड़े डायरेक्टर को बड़े प्रोड्यूसर को मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल, क्योंकि जो खासकर नए लोग होते हैं उनको लगता है कि शायद अगर मुझे नंबर मिल जाए तो डायरेक्ट मुझे वहां तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा और मुझे काम मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज हम इस पे पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे आप वहां तक अप्रोच बना सकते हो और किस तरीके से आप उनसे मिल सकते हो और काम जो भी आप करना चाहते हो, एक्टिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डायरेक्शन, एनीथिंग एल्स, वो आप कैसे पहुंच सकते हो वहां तक और कैसे उनको अपना काम या जो भी आपका टैलेंट है वो शो अप कर सकते हो ताकि वहां से आपको काम मिल सके। जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि आप जो भी कमेंट करेंगे, आपके जो भी सवाल होंगे, मैं उस क्वेश्चन का आंसर, उसका जवाब देंगे। तो ऐसे ही कई सारे लोगों ने कमेंट करके कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है जो टॉप के बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उन लोगों के लिए, तो मैं इसी को आज मेंशन करूंगा कि कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्थ सेंटर, अ ब्रिज बिटवीन यू एंड बॉलीवुड। आज मैं बेसिक 3 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप वहां तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी, आप कोशिश कर सकते हो। सबसे पहली बात ये है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि जो भी टॉप के जो डायरेक्टर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं या एक्टर्स हैं या किसी भी फील्ड में जो टॉप पे हैं, उनका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो लोग प्रोवाइड ही नहीं करते हैं कहीं पे, क्योंकि उनका जो भी काम देखने का जो काम होता है, उनका पीए, पर्सनल असिस्टेंट वगैरह होते हैं, उनके मैनेजर होते हैं, वो देखते हैं, तो उनका नंबर आपको मिल सकता है। अब कई लोगों ने पूछा है कि मुझे टॉप जो बड़े डायरेक्टर हैं उनका नंबर चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना नंबर अगर हर किसी को एंटरटेन करने लगे, आप खुद सोचो, आप एक न्यू कमर और आप चाह रहे हो कि डायरेक्ट हम टॉप लेवल लोगों से कॉन्टेक्ट करें, तो ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। ये खुद आप सोच सकते हो कि आप कैसे पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। आपका कहीं कोई नाम नहीं है, आप एक अभी न्यू कमर हो, आपने कुछ ऐसा प्रूव नहीं किया अपने आप को, कैसे वो आपको एंटरटेन करेंगे। बॉलीवुड में कैरियर बनाने के लिए काफी सारे लोग रोज आते हैं, अगर वो हर किसी को अपना नंबर देंगे तो क्या वो काम कर पाएंगे, कितने लोगों को एंटरटेन कर पाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सबसे पहली बात, जो जिन लोगों ने ये सवाल किया है, अच्छे तरीके से समझ लो कि आपको पर्सनल नंबर कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी का भी पर्सनल नंबर आपको आसानी से नहीं मिलता है, जब तक कि आप उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हो या फिर आपका कोई भाया या फिर किसी के थ्रू आपका कॉन्टेक्ट वहाँ तक नहीं हो पाता है। अब रही बात, आप कैसे पहुँचोगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हो। जैसा कि मैंने इसे पहले वीडियो बनाया है, उस वीडियो पे आप जाके आप देख सकते हो कि आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक तरीका ये है कि जो बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनके खास जो हैं, सपोज अगर डायरेक्टर है तो उनके जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो या फिर जो प्रोड्यूसर है उनके साथ काम करने वाले, उनके मैनेजर, कोई भी हो सकता है, मे बी कि अगर वो नंबर आपको दे भी दे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि पर्सनल नंबर वो किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी बड़ा यूट्यूबर, अगर आप किसी भी चैनल पे जाके अगर आप कमेंट करते हो कि मुझे नंबर चाहिए, उनका नंबर कोई भी प्रोवाइड आपको नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इलीगल भी है, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के आप किसी के नंबर को ऐसे शेयर सोशल मीडिया में नहीं कर सकते हो। तो पहली बात, सपोज अगर किसी के रेफरेंस से आपके पास नंबर मिल भी गया, तो एक तरीका है कि आप उनको कॉल कर सकते हो, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप कॉल मत करो। सबसे पहले आप उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज, अच्छा सा एक टेक्स्ट मैसेज, आप किसके थ्रू आपको नंबर मिला और आप कौन हो, क्या आपका प्रोफाइल है, आप उनके एक टेक्स्ट मैसेज करो जिसमें आप अपॉइंटमेंट की बात करो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखो कि मैं ये हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से रेफरेंस दो कि मुझे यहाँ से नंबर मिला है, और वेट एंड वॉच कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली कि आपको रिप्लाई तो शायद मिले। अगर जिस बंदे ने रेफर किया है, अगर वो जिससे आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, अगर वो उनको जानते हो, तो इट मे बी कि आपको रिप्लाई कर दे, लेकिन ऐसा जनरली बहुत कम ही आपको रेयर केस में होता है।
तो ये एक तरीका है कि आप टेक्स्ट मैसेज करो, अगर वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, अगर वो आपको कुछ रिप्लाई करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। दूसरा सबसे बेहतर तरीका ये है कि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप ऑनलाइन 850 से 1000 के बीच में आप ऑनलाइन फिल्म इंडिया डायरेक्टिव मंगा लो, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, और आप अगर मुंबई में हो आज तो आप वहाँ से उनके ऑफिस जो है रमेश मल्होत्रा जी का, ये फिल्म इंडिया डायरेक्टरी काफ़ी पहले से प्रकाशित होता है, आप वहाँ जाके भी खरीद सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो आपको अमेजन से भी मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। उस फिल्म इंडिया डायरेक्टरी में जितने भी सेक्शन हैं, चाहे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हाउसेज हो, एनिमल सप्लायर्स, ड्रेस सप्लायर्स, कुछ भी A to Z जो भी बॉलीवुड में ज़रूरत पड़ता है, उन सारे डिपार्टमेंट्स का वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस एड्रेस, ईमेल आईडी, अब तो सोशल एड्रेस भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे आसान और बेहतर तरीका है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा। आप 800 से 1000 रुपये अगर आप खर्च करते हो तो बहुत ही आसानी से ये पूरा काफ़ी मोटी एक डायरेक्टरी होती है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के आपको ऑफिस के एड्रेस मिल जाएंगे, सारे डिटेल्स में आपको वहाँ पे, और ये हमेशा हर साल अपडेट भी होता रहता है। आप लेटेस्ट कॉपी 2021 का ले सकते हो, और वहाँ पे सारे डिटेल्स में नंबर, ऑफिस एड्रेस, अगर आप मुंबई में हो तो आप उस एड्रेस पे जाके मिलिए, वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनसे मिलिए, उनको अपना प्रोफाइल बताइए, आप क्या करना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, अगर आप एक्टर हो तो प्रोफाइल अपना वहाँ पे दीजिए, अपने फोटोग्राफ जमा कीजिए, ऑडिशन के बारे में जानकारी लीजिए, और ऐसे कॉन्टैक्ट आपका बनेगा। फिर वहाँ पे अगर वो लोग खुद आपको प्रोवाइड सारा जो डिटेल्स है वो सारे चीज़ आपको वहाँ पे ऑफिस में प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा तरीका है कि उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिस का, उस पर आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हो, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। हालांकि अगर अपॉइंटमेंट मिलता भी है तो जो भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन होगा वो आपसे मिलेगा, आप अपनी बात वहाँ पे रख सकते हो, क्या हो, आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, वो सारा डिटेल्स आप वहाँ पे दे सकते हो। अगर आप एक्टर हो तो खुद बताएंगे कि आप अपने फोटोग्राफ्स, अपने लिंक्स इस ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। तो ये सारा फॉर्मेलिटी है, आप वहाँ पे पहले फ़ोन करो, अपॉइंटमेंट लो, फिर जाओ और वहाँ पे आप सारे डिटेल्स वहाँ से निकाल सकते हो। धीरे धीरे आपको काम मिलने लगेगा, काम मिलेगी तो आपका पहचान बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगा तो आपको ऐसे ही बहुत सारे लोगों का कॉन्टैक्ट्स आपको मिलने लगेगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा काम करोगे, अच्छे लेवल का काम करोगे तो आपको कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिक ही मिलेगा। एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि कभी भी अगर कोई बड़े लोगों का अगर नंबर, जो भी बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, अगर आपको नंबर मिल भी जाता है तो प्लीज़ आप उन्हें बार बार फ़ोन करके ना करें, क्योंकि इससे वो इरिटेट होंगे और इट मे बी कि आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आपको नंबर कहीं से मिलता भी है तो उन्हें टेक्स्ट भेजिए, उनसे अपॉइंटमेंट की बात कीजिए और वेट एंड वॉच कीजिए। ये नहीं कि बार बार आपने कॉल कर दिया तो इरिटेट भी हो जाएंगे, तो इट मे बी कि इससे आपका काम और ख़राब हो सकता है। एक और तरीका है इसमें कि आप जो आज सोशल मीडिया पे सारे जो बड़े लोग हैं सब एक्टिव हैं, खासकर ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ भी आप उनको फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज जो भी है, अगर ट्विटर पे है या फिर ट्विटर पे, जब तक वो फॉलोअप नहीं करेंगे आप मैसेज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको टैग वगैरह कर सकते हैं, जो कि मैं मना करूँगा आप टैग मत करो। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, आप उनको इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर है, आप उनको फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि कभी कोई टेक्स्ट अगर आपने छोड़ दिया है, उनको टैग कर दिया है, तो वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि अगर बार बार आप करेंगे तो इरिटेट होके वो लोग आपको ब्लॉक कर सकते हैं। ये जो मैंने 3 तरीका बताया कि अगर आपके पास कहीं से भी पर्सनल कॉन्टैक्ट अगर मिल गया है तो आप उनसे किस तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दूसरा आप फिल्म इंडिया डायरेक्टरी मंगाओ, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स में नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ऑफिस का एड्रेस, ईमेल आईडी सब मिल जाएगा, आप उनको मेल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर वहाँ पे जाके आपको काम आप ढूंढ सकते हो, मांग सकते हो, और आपको वहाँ से बहुत ही आसान तरीके से सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे कब उनका ऑडिशन होने वाला है, कैसे अगर एक्टिंग की बात करें तो, चाहे अगर आप राइटर हो तो कब वो बुला सकते हैं, आपको खुद वो टाइम बताएंगे कि आप इस समय आप आ सकते हो, इस टाइम पे आप मिलिए। ये एक तरीका है। और तीसरा तरीका सोशल मीडिया है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो आप अपने हिसाब से, लेकिन किसी को भी आप बार बार टेक्स्ट
या फिर मैसेज मत करो। लेकिन आफ्टर ऑल मैं आपको बता दूं कि आप कुछ भी करना चाहते हो, आप सपोज अगर आपके पास किसी का भी कॉन्टेक्ट नंबर मिल ही गया तो उससे क्या होगा, आपको कुछ भी करने के लिए जो आप करना चाहते हो आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो एक न एक दिन आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा ही। आज बहुत आसान हो गया क्योंकि आज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स हैं जहाँ पे आप अपने काम को प्रमोट कर सकते हो और ये एक बेहतर तरीका है। आप अपने काम को प्रमोट करो, जो आप करते हो, अगर आप एक्टिंग करते हो आप तो बहुत आसान हो गया, आप इंस्टाग्राम रील आ गया है, टिकटॉक खत्म हुआ है तो इंस्टाग्राम रील आ गया है, यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट स्टार्ट कर दिया, आप वहाँ पे अगर आप एक्टिंग करते हो तो वहाँ पे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। अगर आप राइटर हो तो आप टेक्स्ट मैसेज करो कि जस्ट आई एम राइटर, जो भी आप अपने बारे में लिखो आप प्रमोट कीजिए अपने आप को। तो ये एक तरीका है, ये सब क्या है, ये जेन्युइन तरीका है। इस तरीके से आप प्रमोट करोगे तो सोशल मीडिया सबसे सब कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं जिनको जरूरत होगी वो आपको ढूंढ ही लेंगे। अगर आपके अंदर जुनून है और आपने ठान लिया है कि मुझे करना ही है तो रास्ते तो खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे। शर्त यह है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी होगी, अपने आप पे विश्वास रखना होगा और आप जो भी आपका वर्कआउट है, जो भी आपका काम है जिससे लगता है कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, उसको नियमता और अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि कोई जो मुंबई या बॉलीवुड में जाता है तो उसकी पहचान सब लोगों से नहीं होती है, वो भी जाता है वहाँ पे, वो अपनी पहचान खुद बनाता है और एक समय जब आता है जब आप कुछ अच्छा कर लोगे तो सारे लोगों के कॉन्टेक्ट आपके पास खुद ब खुद ही आएंगे। लोगों ने कई बार कमेंट किया कि मुझे प्रोड्यूसर का नंबर चाहिए, मुझे डायरेक्टर का नंबर चाहिए, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है किसी का भी हम नंबर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते डायरेक्ट नंबर। हाँ, वो नंबर मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करूंगा जो जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे या फिर फिल्म इंडिया डायरेक्टरी में प्रोवाइड किया है वो नंबर्स वगैरह, या फिर जो नंबर सार्वजनिक है कि हाँ ये नंबर ये कोऑर्डिनेटर है, ये डायरेक्टर है, ये एक्टर है, ये राइटर है, कोई भी जो बड़े लोग हैं जिन लोगों ने अपने नंबर सार्वजनिक किया है वो नंबर आपको कोई भी यूट्यूबर हो या कहीं से भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन पर्सनल नंबर आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, खासकर सोशल प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने सवाल पूछा था कि मुझे नंबर चाहिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर का, तो उनको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। और यही एक तरीका है, और यही तरीका है भी, आप डायरेक्ट किसी से कॉन्टेक्ट ऐसे भी आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं इन्फॉर्मेटिव और भी वीडियोज डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। या फिर आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो तो कॉमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब 100% वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।